हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देख बिड़ू, तेरा बकरा आ गया, चल इसे हलाल करते हैं। साहब, थोड़े से पैसे दे दो ना साहब, भूख लगी है साहब, दो दिन से खाना नहीं खाया साहब, 20 रुपया दो बस, वड़ा पाव खाएगा साहब। अगरबत्ती दो ना साहब, भिखारी नहीं है अपन, अगरबत्ती बेचता है अच्छा क्वालिटी का, एकदम घर में, ऑफिस में, दुकान में, किधर भी लगाओ साहब। अच्छा क्वालिटी का अगरबत्ती दे रहा हूँ साहब, ले लो ना साहब। अरे साहब, मर जाएगा वो। अरे साहब, कांच खोलो साहब, कांच खोलो। राजू तो ठीक है ना साहब, घुट रहा है उसका साहब, गलती हो गई साहब, माफ करो साहब। क्यों बे, मेरा बैग चुराएगा, बैग चुराएगा साहब, छोड़ दो नहीं तो वो मर जाएगा। ये देखो दया, ये इसके गर्दन पर, यहाँ पर, ये बहुत गहरा घाव का निशान है, लेकिन लगता नहीं है किसी रस्सी से निशान बना है, लगता है किसी ने इसकी गर्दन को दो चीजों के बीच में दबा दिया है। और सर ये देखिए, ये घुटने के यहाँ पे पैंट बुरी तरह से फट गया है, ऐसा लगता है घुटनों के बल इसे घसीटा गया है। ऐसी क्या दुश्मनी होगी किसी की कि इतनी बेदर्दी से मारा है इसे। इसके सर पे भी एक गहरा घाव है, देखें लगता है किसी भारी चीज से वार किया गया है, शायद इसी की वजह से इसकी मौत हुई है। तो इसके गले पे जो निशान है, मौत इसकी वजह से नहीं हुई? नहीं दया, ये गर्दन का घाव गहरा जरूर है, लेकिन इससे गले की नस कटी नहीं है, इसकी सांस की नली टूटते टूटते रह गई है। एक आदमी के पास चार चार वॉलेट, इसके कपड़ों में कई सारे चोर पॉकेट्स है, और ये सारे उसमें छुपा के रखे हुए थे। चार वॉलेट्स, और मजे की बात ये है सर, ये चारों वॉलेट अलग अलग लोगों के, शायद ये पॉकेट मार होगा। पॉकेट मार है, तब तो इसका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में होगा, जरा पता करो इसके बारे में सब कुछ। सर, यही घर है। दे दरवाजा तोड़ दो। राजू का खून नहीं सर, यहाँ तो बात कुछ हुआ है, लगता है कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। चोर के घर में चोरी। सा खून, माय गॉड, ऊपर ऊपर कुछ है सर। खून से सने जूतों के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से बाहर।
इसे तो एकदम राजू की तरह टॉर्चर किया। हाँ, लगता है खूनी ने किसी धारदार हत्या से खत्म कर दिया। लगता खूनी पीछे की तरफ से भाग गया। बॉडी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है, ऐसा लगता है मौत 2-3 घंटे पहले ही हुई है। सर, लेकिन ये आदमी राजू के घर पे क्या कर रहा था? ये और राजू दोनों एक ही जगह रहते हैं, शायद दोनों पॉकेट मारी का धंधा करते होंगे। हो सकता है किसी पॉकेट मार गैंग के लिए भी काम करते हो ये दोनों। सर, राजू की मौत 6-7 घंटे पहले हुई थी, तो खूनी ने पहले राजू को मारा और उसकी लाश रोड पर फेंक दी, फिर खूनी यहाँ पर आया इस चौल में, इसे टॉर्चर किया और 2-2.5 घंटे पहले इसे भी मार दिया। खूनी इन दो चोरों को क्यों मारेगा? वो भी इस तरह, ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ था या है जो उस खूनी को चाहिए था। मगर ये लोग तो छोटे मोटे चोर है, ऐसा क्या होगा इनके पास उसे चाहिए होगा? कुछ तो है खूनी का जो खूनी ढूंढ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो चीज ढूंढने के लिए वो आया था यहाँ पे वो उसे मिले हैं या नहीं? काम करते हैं, आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, किसी ने किसी तो देखा होगा, कुछ तो सुना होगा। शिवा और राजू यहाँ चाल में रहते थे, किसी ने इतनी बेरे में से उन दोनों को मार दिया और किसी ने कुछ सुना नहीं? कोई अनजान आदमी को इस चौल में आते जाते देखा था? नहीं मैडम। बेवकूफ समझ रखा है हम लोगों को, आप लोगों के घर इतने नजदीक नजदीक है और किसी ने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, कैसे हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं साहब, आप किसी के बारे में पूछेंगे तो हम सब बता सकते हैं, मगर मगर क्या? ये राजू और शिवा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है साहब, और ये खुद भी किसी से कुछ मिलते जुलते नहीं थे, तो फिर हमने भी छोड़ दिया, काय को ऐसे लोगों से संबंध रखने का साहब? हाँ साहब, ये लोग ठीक नहीं लग रहे थे, उल्टे सीधे लोग इनके घर पे आते थे, एक दो बार तो पुलिस भी आ गई थी, तो हम लोग ऐसे लोगों से दूर ही रहते थे। उल्टे सीधे लोग, लगता है इन लोगों का कोई गैंग ही है पॉकेट मारो का। अच्छा, ये लोग कहाँ काम करते हैं कुछ पता है किसी को? सर, काम के बारे में तो पता नहीं है सर, आगे एक सर्कल है वहाँ पे सिग्नल है, वहीं पे बैठे रहते हैं लोग रात भर। अच्छा, भागते भागते उसकी जेब से गिर गया। अभिजीत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां सीढ़ियों पर जो जूतों के निशान थे वो, और ये जूतों के निशान, ये दोनों अलग अलग हैं। कातिल का कोई साथी भी था? दो लोग थे सर,
बाहर एक आदमी थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, उसका पीछा किया तो हाथ से निकल गया सर, लेकिन भागते भागते उसके हाथ से ये गीगर काउंटर गिरा। गीगर काउंटर, रेडियो एक्टिव वेव्स मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट चोरों के पास कैसे? जरा देख। बस देखा तो मैंने भी पहली बार ऐसा। इसके एक्सपर्ट से कंफर्म करते हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये आदमी 3 घंटे पहले मर चुका है और वो जो आदमी अभी भागा है जिसके हाथ में गीगर काउंटर था, वो ये यहाँ ढूंढ क्या रहा था? वही ढूंढ रहे थे जो अब तक उन्हें मिला नहीं है। हमारे जाने का इंतजार कर रहे थे ये लोग। इसके गैंग का पता लगाते हैं, वहीं से पता चल जाएगा क्या चोरी किया है इन्होंने। क्या कर रहा? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ये किसी ने पर्स निकाला। गुड। अरे ये तो नहीं था पर्स में। खोली नंबर 10 तिवारी चौक। एड्रेस? ए तूने हाथ लगाया पर्स को? नहीं नहीं साहब, क्या बोल रहे हो आप, मैंने कुछ नहीं किया। ए तू भी काम करता है यहाँ, पॉकेट मनी करता है? नहीं नहीं साहब, आप क्या बोल रहे हो साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, चोर नहीं हूँ साहब। ठीक है सॉरी, आप जा सकते हैं। सॉरी हाँ, काम करते हैं, खोली नंबर 10 तिवारी चौल, वहीं चल के देखते हैं। पता नहीं यार, ऐसा लगा किसी ने हाथ लगाया पीछे से। ये राधा, खोली नंबर 10, चल के देखते हैं। तुम तो वही हो ना जहाँ मैं पूछताछ कर रहा था और ये चिट्ठी मेरी जेब में आई थी। जी साहब, मेरा नाम प्रकाश है, मैं वही हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं। आइए साहब। चिट्ठी रखे यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? राजू और शिवा को तुमने? नहीं नहीं साहब, वो मैं नहीं, मैं इस गिरोह का मुखिया हूँ और ये लड़के लोग मेरे लिए काम करते हैं। और तूने खुद ही हम लोगों को यहाँ पे बुला लिया है, ये जानते हुए भी कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। साहब, राजू और शिवा के केस में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बदले में आपको मेरी और मेरे लड़कों की मदद करनी होगी। जानते तो किससे बात कर रहा है? सीआईडी और हम किसी अपराधियों से ये सौदेबाजी नहीं करते, समझा? जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो तुम, वरना हमें यहाँ बुलाने का जोखिम तो उठाते नहीं। जी साहब, बहुत बड़ी मुसीबत है साहब, हमें बचा लो। कोई है साहब जो एक एक करके मेरे लड़कों को मार रहा है साहब, हमें बचा लो। चाहे तो आप हमको जेल में डाल दो साहब, परवाह नहीं साहब, मदद करो साहब। बस तो क्या राजू और शिवा के अलावा कोई और भी मारा गया है? हाँ साहब, कल भी मेरे एक लड़के को किसी ने मार दिया था साहब। कौन है ये, पहचानता क्या कोई इसको? हाँ साहब, ये पास वाले सर्कल के सिग्नल पर भीख मांगता था, भिखारी है। भिखारी नहीं है, पॉकेट मारे। और वैसे भी इसके कपड़ों से बहुत दारू की बदबू आ रही है, लगता है इसने दारू के नशे में कोई लफड़ा फड़ा किया होगा। छोटा मोटा पॉकेट मार था, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। मर गया सो मर गया, दारू पी के लफड़ा किया और केस बंद कर दिया साहब। पर साहब मेरे को मालूम है, पर राकेश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता साहब, वो दारू को हाथ भी नहीं लगाता साहब। साहब किसी ने उसको मारा और ऐसा दिखा दिया जैसे कि दारू पी के बहुत बड़ा लफड़ा किया, और फिर वो शिवा और राजू ने कुछ तो किया है तुम लोगों ने, जिसकी वजह से एक एक करके तुम्हें कोई मार रहा है।
पता नहीं साहब, हमें बिल्कुल पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है साहब। वो हम पता कर लेंगे, तुम अभी हमें अपने गैंग के बारे में बताओ सब कुछ, कुछ मत छुपाना। जी साहब। साहब हम लोग जेब कतरी और छोटे मोटे चोरी का काम कर लेते हैं। साहब शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं उधर मेरे लड़के रहते हैं, करीबन 150 लड़के। लोगों का ध्यान भटका और हम चोरी कर लेते हैं, और जितना भी माल इकट्ठा होता है सब सब मेरे पास आता है, उसमें से मैं अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ और बाकी का हिस्सा मैं लड़कों में बराबर बांट देता हूँ। साहब बुरे काम का बुरा नतीजा, लोगों की मेहनत की कमाई उड़ाते हो हैं, और अब खुद पे बनाई है तो मदद मांगने लगे। जरूर तुम्हारे लड़कों ने कोई ऐसा हाथ मारा है जिसकी कीमत वो लोग अपनी जान दे के चुका रहे हैं। सर मदद कर दो सर, आपको चाहिए तो सब ये लो, आपको पैसा चाहिए सर, जितना भी चाहिए ना ये लो सर, सब ये लीजिए, और भी चाहिए सर ये पड़ा। ये सब करके तुम सजा से बच नहीं सकते, तुम लोगों को कोई बचा नहीं सकता, जेल तो जाना ही होगा तुम सबको, समझे? ठीक है सर, परवाह नहीं सर, जेल जाएंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ये राजू शिवा और राकेश, इन तीनों ने कभी तुम्हें बताया था अपने दुश्मन के बारे में, या फिर कोई ऐसी बात जो जो इन तीनों में कॉमन हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। तुम्हारे ये तीनों ये किस एरिया में पकेटमारी करते थे? बाहर सर्कल के पास, वो जो सिग्नल है ना वहाँ पे। ये तीनों ये सर्कल वाले सिग्नल पे, इसी सिग्नल पे पॉकेटमारी करते थे? जी सर। अब तक खूनी सिर्फ उन पॉकेटमारों को मार रहा है जो सर्कल वाले सिग्नल पे एक्टिव है। सर वो सिग्नल के पास 10 लड़के और भी काम करते हैं। इससे पहले कि वो खूनी उन तक पहुंचे, हमें उन लड़कों तक पहुंचना होगा। सॉरी सालों के, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा यार, मैं बहुत बिजी था। काम हमारा तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त। नहीं नहीं ऐसी बात मत करो। थैंक्स अ लॉट अपना कीमती वक्त देने के लिए यार। थैंक्स मत बोलो, अपने पुराने दोस्तों के लिए थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकता हूँ मैं। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा बताओ कैसे याद किया आज मुझे? यार तुम्हें ये दिखाना था। सालों के ये तो गीगर काउंटर है। आई नो यार ये गीगर काउंटर है, लेकिन इतना छोटा सा गीगर काउंटर। हाँ सलूंखे ये काफी छोटा है और काफी ताकतवर भी है, ये छोटी सी छोटी रेडिएशंस का पता लगा सकता है। पर ये तुम्हें मिला कहाँ? यार ये मुझे एक मुजरिम के पास से मिला है। What? मुजरिम के पास में से ये डिवाइस? हाँ क्यों, क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गए? मुजरिम के पास नहीं हो सकता सलूंखे, ये लेड और टाइटेनियम से बना हुआ है, ना तो इसका कोड क्रैक किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। You know, ऐसे डिवाइसेस तो हमारे लैब में भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है उसे ये कहां से मिला होगा? सरकार, गवर्नमेंट के पास में से, उनके कुछ खास लोगों के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। आप लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। सरकार, गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंट। ये प्रकाश के गैंग के जितने भी मेंबर अभी तक मिले हैं सब सही सलामत है, ना किसी पे हमला हुआ है ना किसी की जान गई है। देखते हैं यहाँ इस पते पे क्या पता चलता है। क्या लगता है खूनी क्यों शांत हो गया? हो सकता है उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी हो।
अगर फिर भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये मेरे रॉ के बॉस का नंबर है, आप इनसे बात करके मेरे बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो ले सकते हैं। रेडी। वैसे सारे मामले में रॉ का क्या कनेक्शन है? सर दरअसल ये हमारा एक सीक्रेट ऑपरेशन है। ऐसा कौन सा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसके तार सड़क छाप पकड़मारों से जुड़े हुए हैं? जुड़ा हुआ नहीं है सर, लेकिन इन लोगों ने कुछ चुराया और उसी को वापस लाने के लिए ये पूरा ऑपरेशन है। क्या क्या चुराया सर? उसके बारे में कुछ भी किसी से बात करना हमें अलाउड नहीं है। देखो तुम्हें CID पर विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। ठीक है सर, लेकिन प्लीज़ ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। सर दरअसल सरकार की एक खुफिया न्यूक्लियर यूनिट है जिसके अंदर साइंटिस्ट एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन वहीं के एक एम्प्लॉय ने कंप्यूटर को हैक करके वहाँ का डेटा चोरी कर लिया। सर इससे पहले कि हम उसको पकड़ पाते वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से गायब हो गया। इंटेलिजेंस के हिसाब से वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में कॉपी की गई। उस पेन ड्राइव के अंदर न्यूक्लियर प्लांट की सारी इन्फॉर्मेशन है। उस पेन ड्राइव की कीमत करोड़ों में है। अगर गलती से वो पेन ड्राइव किसी गलत हाथों में चले जाती है तो देश का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरा मिशन उस पेन ड्राइव को वापस लाना है। कहां तक पहुंची तुम्हारी तलाश? सर अभी तक जिसने वो पेन ड्राइव और वो इन्फॉर्मेशन गायब की थी उसको हमने पकड़ लिया। उसका नाम मेहुल, लेकिन उसने वो पेन ड्राइव एक बैग में डाल दी थी और वो बैग अब चोरी हो गया। और चुराने वाला इसी पॉकेट मार गैंग का कोई मेंबर है? यस सर, लेकिन मेहुल ने ये इन्फॉर्मेशन हमें देने से पहले ये इन्फॉर्मेशन अपने बॉस के साथ में शेयर की। और अब मेहुल का बॉस पॉकेट मारों को जान से मार रहा है। यस सर, अब रॉ की टीम और मेहुल के बॉस की गैंग की टीम उस पेन ड्राइव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और बलि पे चढ़ रहा है पॉकेट मार। यस सर। सर हाँ, रॉ चीफ मिस्टर विजेंद्र से बात हो गई है। विक्रम एक रॉ एजेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस मिशन में हम इसकी मदद करें। चल। ये पिंडर किसके पास है अब तक पता नहीं चला। नहीं सर। सर ये जो सर्कल में जितने लोग भी पॉकेटमारी का काम कर रहे थे उन सबसे पूछताछ की हमने, उन्होंने भी ऐसी किसी चीज की चोरी की बात तो बताई नहीं। हाँ सर, अनिल और किशोर बचे थे मगर उनसे कुछ पूछते उससे पहले वो भी मारे गया। हो सकता है वो पेन ड्राइव अभी भी अनिल के पास ही हो, या फिर अनिल ने वो पेन ड्राइव यहीं इसी घर में छुपा के रखी हो। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी वो पेन ड्राइव लेके भाग गया। हो भी सकता है और नहीं भी। सर जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तो एक आदमी जिंदा था, मतलब खूनी उसी समय भागा होगा। पता नहीं उसको मौका मिला कि नहीं मिला। काम करते हैं, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढते, एक एक कोना चार मारते हैं, मिलना ही चाहिए। तो सर हम गीगर काउंटर की मदद ले सकते हैं। गीगर काउंटर की मदद से? यस सर। लेकिन गीगर काउंटर से तो रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है। सर वो जो पेन ड्राइव थी वो न्यूक्लियर प्लांट से चोरी की गई। हो सकता है कि उस पेन ड्राइव के ऊपर थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव फील पड़ गया। चलो ये भी करके देखते हैं। सर हाँ, इस बैग में से आवाज आ रही है। देखो बैग के अंदर जल्दी। खोलो खोलो खोलो। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? गीगर काउंटर तो बता रहा है कि बैग के अंदर ही है। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर अगर वो पेन ड्राइव उनके हाथ में लग गई ना तो उसको दोबारा से पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पेन ड्राइव हम उनके हाथ नहीं लगने देंगे। इस घर को फिर से अच्छी तरह से चेक कर देंगे गीगर काउंटर देकर। चलो
बॉडी के ऊपर से बिप बिप की आवाज आ रही है। कपड़े चेक करो। सर, कपड़ों के अंदर तो पेन ड्राइव नहीं है। अगर पेन ड्राइव कपड़ों में नहीं है तो फिर क्या? पेन ड्राइव बॉडी के अंदर? सर, यही पेन ड्राइव है। थैंक यू सो मच मेरा मिशन पूरा करने के लिए, बट आई एम रियली सॉरी, ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, मैं एक बार अपने बॉस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। हेलो, हाँ सर, पेन ड्राइव मिल गई है। यस सर, अभी। ऑल राइट सर, ओके सर, मुझे ये पेन ड्राइव और गीगर काउंटर एजेंसी में सबमिट करना होगा। मैं चलता हूँ। या थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन गुड लक। थैंक यू। ओके ये पेन ड्राइव तो मिल गया सर, लेकिन खूनी अभी भी गायब है। उसके लिए भी कोई जाल बिछाना पड़ेगा सर। हाँ, कमाल की बात है सर, एक पिक पॉकेटर ने पेन ड्राइव के लिए अपनी जान दे दी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। रेडी सही कह रहा है, एक पॉकेट मार पेन ड्राइव के लिए अपनी जान क्यों देता है? क्या पता है उसे उस पेन ड्राइव के बारे में? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है सर। पैसों के लिए विक्रम बता रहा था ना, पेन ड्राइव में करोड़ों की इंफॉर्मेशन है। नहीं फ्रेडी, पैसे चाहे कितने भी हो, जान से बढ़कर नहीं होते किसी की। एक काम करते हैं, पॉकेटमार गैंग का जो बॉस है ना प्रकाश, उसे फोन करते हैं। हाँ हेलो प्रकाश, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ सलाम साहब। देखो मैं दो लाशों के फोटोग्राफ भेज रहा हूँ, दो लोगों के, जरा बताना देखकर क्या वो दोनों तुम्हारे गैंग के मेंबर्स है क्या, अनिल और किशोर? हाँ सर। साहब, ये पहला वाला जो फोटो था साहब, वो अनिल का था। और दूसरा? ये दूसरा वाला मैं नहीं पहचानता साहब। अच्छा ठीक है, थैंक यू। दूसरा किशोर नहीं है तो फिर है कौन वो जिसने पेन ड्राइव निगल ली और अपनी जान दे दी? फ्रेडी एक काम करो, रॉजी विजेंद्र साहब को फोन लगा, पूछो उनको। हेलो विजेंद्र जी, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। फ्रेडी, अभी अभी आपको विक्रम ने फोन किया था ना? क्या नहीं? थैंक यू सर। माय गॉड, इसका मतलब जो आदमी अंदर मरा पड़ा हुआ है वो असली विक्रम है, जिसने पेन ड्राइव के लिए अपनी जान दे दी। तो फिर सर, वो पेन ड्राइव जो लेके गया अभी अभी, वो कौन था? खूनी था वो फ्रेडी, खूनी था, जो विक्रम बनकर हमारे सामने आया। सर हुआ ये होगा कि असली विक्रम जब पेन ड्राइव ढूंढने घर पे आया होगा तभी।
और इससे पहले वो पेन ड्राइव ढूंढ पाता हम वहां पहुंच गए और उसे भागना पड़ा। वो जानबूझ के हमारे सामने आके पकड़ा गया ताकि हमारी मदद से आसानी से वो पेन ड्राइव हासिल कर सके। और बड़ी गलती हो गई सर, चकमा देके पेन ड्राइव लेके निकल गया, पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा, उसको रोकना ही होगा। एक काम करते हैं, यहाँ बाहर रोड पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, उसमें से उसकी तस्वीर उठाओ और सब जगह भेज दो। प्रकाश, इसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूं, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक काम करो, नाके नाके पर बस स्टैंड पर तुम्हारे जो पॉकेट मार खड़े रहते हैं ना, सभी बच्चों को बोल देना एक फोटो भेज रहा हूं, वो आदमी शहर छोड़कर जा ना पाए। अरे तो वही बंदा है ना, हाँ ये वही है, ये वही बंदा है। चल हाँ दादा मिल गया है वो, यहां तो रुक नहीं पाया लेकिन आगे जाके जरूर रुकेगा, उसके साइलेंसर में कपड़ा डाला है मैंने। पैकेज मेरे पास में है। हाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके ओके। आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं। ए पीछे, ए कोई आगे नहीं आएगा, पीछे हो, कोई आगे नहीं आएगा, पीछे हो। हटो पीछे हटिए, सब लोग हटिए हटिए हटिए, सब पीछे हटो, पीछे आओ। इसकी हालत तो बहुत खराब है,
क्या हुआ हा? क्या हुआ इसके साथ हा? किसने मारा इसे? सर ये गीगर काउंटर और ये पेन ड्राइव। किसने मारा इसको? हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सर अचानक इसकी उंगलियां जकड़ने लगी और ये जमीन पर गिर पड़ा, हमें लगा कि इसको दिल का दौरा पड़ रहा है। सर सर ये तो मर गया। तया ये देखा वही अंगूठी। ये सुई पर था उसे और ये इस अंगूठी में। बॉस इस अंगूठी को ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है। हमारे ऑर्गन गैंग वाली आंख टीआईडी वालों ने बंद कर दी है। ये तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा लगता है। है कौन ये लोग, चाहते क्या है, पता नहीं और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।